बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शानी के किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ यही कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये केले लिए हैं मैंने, सेब और अमरूद लिए हैं। कोई भी फ्रूट आपके पास हो, मतलब जो भी मौसमी फ्रूट जो भी हो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे केले, सेब, अमरूद और ये अनार लिए हैं। और ये मैंने मिल्क पैक क्रीम ली है, ये एक पैकेट हमने लिया। और ये चाट मसाला, फ्रूट चाट मसाला ये लिया है 1 टीस्पून। और चीनी लिए मैंने 2 टेबलस्पून। अभी हम सबसे पहले ये सारा अपना फ्रूट इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको कटिंग करके फिर मिलते हैं। ये देखें जी, फ्रूट सारे हमने काट लिए हैं। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये अनार, इसके मैंने ये दाने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें बाकी की सारे फ्रूट्स डालती हूँ। हम इसमें अपना सारा फ्रूट्स शामिल कर देंगे। सारा फ्रूट शामिल कर लिया। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये क्रीम जो है इसको मैंने अच्छी तरह इसको फेंट लिया है। ये पूरा एक पैकेट है क्रीम का। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं तो कम। और ये चाट मसाला डाल देंगे। और एक और चीज़, काली मिर्च जो मैंने आप वो भूल गई थी आपको बताना, वो भी हम डालेंगे तकरीबन ये 1/4 टीस्पून। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ये अपनी क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गई है और ये हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। ये लें जी, मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। आप ये इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो उनको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।